मैं आपका मेरे चैनल सेमी ब्लॉसम में आज हम आपको 3 दिन में कुछ धनिए से हरा धनिया उगाना सिखाएंगे सिंपल तरीके से। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कुछ धनिए से हरा धनिया किस तरीके से उगा सकते हैं। ये आपको इजी तरीके से किचन से खुश्क धनिया लेकर हरा धनिया उगा सकते हैं। आसान तरीका बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने मिट्टी लेनी है। हमारे पास कोई भी गार्डन सोल है, कोई भी मिट्टी है, हम उसमें ये खुश्क धनिए से हरा धनिया उगा सकते हैं। तो चलते हैं हम किस तरीके से हम खुश्क धनिए से हरा धनिया उगाएंगे। आप किसी टोकरी के अंदर, क्यारी के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर आप मिट्टी लेकर उसमें खुश्क धनिए से हरा धनिया उगा सकते हो। ये देखें, मैंने मिट्टी ले ली है, आप गार्डन सोयल ले लें। मैंने ये गार्डन सोयल ली है। आपने इसमें इस तरीके से लाइनें लगा लेनी है। ये देखें, इस तरीके से हाथ की मदद से मैं लाइनें लगा रही हूँ। इसकी गहराई 2 इंच होनी चाहिए। ये देखिए, मैंने खुश्क धनिया लेकर इसको भगो दिया था। अब सारा दिन के लिए इसको पानी में भगो दें। शाम को हम इसको निकाल के मिट्टी में लगा लेंगे। आपने इस तरीके से लाइनें लगानी हैं, लाइनें ज़्यादा गहरी भी ना हों। अगर लाइनें ज़्यादा गहरी होंगी तो बीज जर्मिनेट होने में टाइम लगेगा। अभी हमने लाइनें लगा दी हैं, अब हम इसके अंदर ये हम पानी इसका निकाल लेंगे धनिया का। अब हम इसके अंदर यूं बीज बिखेरते जाएंगे। मैं इस तरीके से लाइनों में लगा रही हूँ, आप इसको छट्टा देकर भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। हमने बीजों को इस तरीके से लाइनों में लगाकर फिर हमने इसको कवर कर देना है। हल्की मिट्टी डालनी है, ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी ऊपर। जो बीज बचे थे वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हमने इसके हल्के हाथों से इसमें मिट्टी डाल देनी है। ये देखें, बीजों को मैंने कवर कर दिया है। ये देखें, अब बीज कवर हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने शावर की मदद से इस पे हल्का हल्का पानी डालना है। ये देखें, मैंने बॉटल का शावर बना लिया है। आप भी ढक्कन में किसी तरीके से सुराख करके हल्का हल्का शावर, बोतल का शावर बना के हल्का हल्का शावर की मदद से इस पे पानी डाल लें। ये देखें, ये हम लगा कर किस तरीके से रखेंगे। अगर आप शेड वाली जगह पर रखेंगे तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए। यहाँ से इसको 2 से 3 घंटे के लिए धूप लाजमी लगनी चाहिए। अब गर्मी का मौसम है तो भी थोड़ा सा जर्मिनेट होने में देर लगाएंगे। अगर आप इसको किसी छांव में रखते हैं
देखिए मैंने हल्का हल्का इस पर शावर की मदद से पानी डाला है। आप इस तरीके से पानी इस पर शावर की मदद से डालें। आपने इसको धनिया को इस तरह शावर करके इसको किसी शेड वाली जगह पर रख सकते हैं जहाँ 2 से 3 घंटे के लिए धूप लाजमी आनी चाहिए। कुछ बीज गर्मी की वजह से नहीं उगेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपका हरा धनिया बहुत अच्छा जर्मिनेट होगा। आप इसको दरख्त की छाँव में भी रख सकते हैं, लेकिन जो छोटी स्टेम्प होंगी वो नहीं उगेंगी क्योंकि दरख्त की छाँव ठंडी होती है, वहाँ पर रोशनी भी मौजूद होती है। आप शावर से एक दफ़ा इस पर पानी डालें, ये देखें। फिर आप जब दोबारा इसको पानी लगाना होगा तो आप पत्थर रख के डायरेक्ट पानी भी इसमें डाल सकते हैं। देखो मैंने बोतल का शावर बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इससे पानी लग रहा है। आप पत्थर रख कर भी डायरेक्ट पानी डाल सकते हैं। आप दरख्तों के नीचे भी इजीली आप हरा धनिया उगा सकते हैं, मिट्टी में भी हरा धनिया लगा सकते हैं और ऑर्गेनिक मिट्टी में भी आप हरा धनिया लगा सकते हैं। अब इसको किसी भी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं है। इसको पानी देना एक अहम स्टेप है कि आपने दिन में एक दिन में एक दफ़ा से दो दफ़ा लाजमी इसको पानी देना है। अगर वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो इसको 2 से 3 दफ़ा पानी देना लाजमी है ताकि मिट्टी के अंदर नमी बरकरार रहे। नमी बरकरार रहेगी तो 2 से 3 दिन के अंदर धनिया जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा, धनिया उगना शुरू हो जाएगा। आपने मिट्टी को खुश्क नहीं होने देना, मिट्टी खुश्क होगी तो आपके जो बीज हैं वो ख़राब हो सकते हैं, उगने में टाइम लगेगा। अगर नमी बरकरार रहेगी तो 2 से 3 दिन के अंदर आपका धनिया उगना शुरू हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।